हेलो एवरीवन, वेलकम अबोर्ड। सो आज हम आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है टीसीएस प्रीलिम्स 2020 एग्जाम के लिए। सो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको जाननी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। जो लोग दे चुके हैं वो मोस्टली उनको पता होगा कि क्या इसकी डिटेल्स हैं, कैसे फॉर्म भरना होता है। तो इरिस्पेक्टिव कि अगर आप पहले भी ये फॉर्म भर चुके हैं या पहली बार भरने जा रहे हैं, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि ट्राई टू रीड दिस नोटिफिकेशन एटलीस्ट वंस कि एग्जाम स्कीम क्या है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और किस तरह का प्री और मेंस का पैटर्न है। सो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन गो अहेड एंड रीड द एंटायर पीडीएफ विच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सो ये जो नोटिफिकेशन आया है, दिस इज फॉर कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020, जो पीसीएस का एग्जाम कॉमनली नोन एज प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसके लिए ये है। और साथ में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इनके लिए भी ये सेम एग्जाम फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे यूपीएससी में आपको पता है कि आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्लस इंडियन सिविल सर्विसेज दोनों के लिए कॉमन एग्जाम होता है। प्रीलिम्स का मेंस दोनों के अलग अलग होते हैं। सेम वे द प्रीलिम्स एग्जाम एट द स्टेट लेवल फॉर पीसीएस एज वेल एज एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्लस फॉरेस्ट ऑफिसर, ये आपका सेम है और मेंस इसका अलग अलग होता है। ठीक है, अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है आपके जानने की वो ये है कि प्रीलिम्स दोनों को देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया मेंस और इंटरव्यू दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम की दी हुई है। सो तीन स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट की डिटेल्स दी हुई है, जहाँ पे आप यूपी पीसीएस की जो वेबसाइट है upsc.up.nic.in, आप वहां पे जाएंगे, वहां पर ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द लिंक वेयर दे हैव गिवन इट। और इसके अलावा तीन चीजें वहां पर मिलेंगी, यूजर इंस्ट्रक्शन जो आपको थोड़े निर्देश दिए हुए हैं, व्यू एडवर्टीजमेंट, ये जहां पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, और प्लस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो थ्री स्टेजेस में है। ठीक है, सो जो उसकी तीन स्टेज है उसको भी आप रफली देख लीजिए कि जो फर्स्ट स्टेज है इसमें अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं, देन यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ। इफ दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ एंड देयर यू हैव टू सबमिट ऑल योर डिटेल्स, ईमेल आईडी, नेम, पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इन सेकेंड स्टेज यू हैव टू मेक द पेमेंट। पेमेंट भी इसमें दी हुई है, 125 रुपीज इट्स फॉर जनरल कैंडिडेट, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी उससे थोड़े कम कम करके पेमेंट्स दी हुई है आगे के सेक्शन में। सो दूसरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकेंड स्टेज में यू हैव टू मेक द पेमेंट एंड थर्ड स्टेज में यू हैव टू कम्प्लीटली सबमिट द फॉर्म। सो ये तीन स्टेजेस कंप्लीट होंगी तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली सबमिट हो पाएगा। सो रिमेंबर दैट, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई, सेकेंड यू हैव फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर, सेकेंड यू हैव टू पे मेक द पेमेंट एंड थर्ड यू हैव टू कंप्लीटली सबमिट योर फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे इन्होंने दी हुई है फॉर अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, फॉर देम दिस फीस इज लाइक 125 रुपीज जो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए इट इज 65 रुपीज। फॉर हैंडीकैप पर्सन इट इज 25 रुपीज एंड एक्स सर्विसमैन अगेन 65 रुपीज एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स और वुमेन अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, जिस कैटेगरी में भी वो आते हैं उस हिसाब से उनको ये फीस सबमिट करनी है। मैं बहुत ज्यादा इसकी पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ जरूरत की चीजें बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म एक बार आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं जब तक उसमें ड्यू डेट अवेलेबल है। ठीक है, एग्जाम सेंटर है वो हर जगह नहीं अवेलेबल है, जो भी यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स मेंशनड है वो उसमें से आपको कुछ ना कुछ अलॉट कर दिए जाएंगे। यूजुअली अभी सेल्फ सेंटर जा रहा है तो ज्यादातर संभावना है कि जो लोग अपनी जगह का एड्रेस भरेंगे उनको सेंटर वहीं पे अलॉट किया जाएगा। और गिवन दिस कोविड सिचुएशन, एक्चुअली आप बहुत दूर कहीं जा भी नहीं सकते हैं, सो मे बी आपको वहीं पे सेंटर दिया जाए। जो लोग बाहर से आएंगे उनको पिछली बार इन्होंने आगरा में सेंटर अलॉट किया था, सो
सो प्रोबेबली दे विल डू अगेन द सेम कि बाहर वाले लोगों को आगरा अलॉट किया जाएगा. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें नोट करने लायक, दैट इज रिगार्डिंग द वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, ये डिसाइड करेंगी कि प्रीलिम्स में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा. सो एज ऑफ नाउ दिस पीडीएफ और दिस नोटिफिकेशन टेल्स अस देयर आर अबाउट 200 वैकेंसीज फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन एंड देयर इज नो नंबर एज ऑफ नाउ फॉर एसीएफ आरएफओ बिकॉज रिक्विजिशन गया हुआ है, अधियाचन इन्होंने दिया हुआ है, बट अभी तक कितनी रिक्वायरमेंट है इसका हमको अंदाजा नहीं है. तो अगर 200 सीट पीसीएस के लिए आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं करीब 50 के आसपास मोर और लेस सीट्स होंगी जो एसीएफ आरएफओ के लिए आएंगी. गिवन दैट कि एग्जाम अभी 21 जून को होना संभव है, हो सकता है ना हो पाए. अगर नहीं हो पाएगा तो बाय द टाइम द रिजल्ट्स फॉर प्रीलिम्स आर डिक्लेयर्ड कुछ सीट्स ऐड हो जाती हैं. सो लास्ट टाइम दे स्टार्टेड विद 309 सीट्स एंड एंड ऑफ द डे दे रीच्ड अप टू 500. तो यहाँ पे भी आप मान लेते हैं कुछ बहुत चेंज नहीं होगा, तो 400 के लगभग सीट्स के लिए वो सिलेक्शन करेंगे. सो दिस इसका सिग्निफिकेंस आपको पता है कि अगर 200 सीटें हैं सो 13 गुना 13 टाइम्स ऑफ दिस सीट विल बी सिलेक्टेड इन प्रीलिम्स. सो 2600 लोग करीब 2600 लोग जो है सेलेक्ट किए जाएंगे इतनी नंबर ऑफ सीट्स पे. इन्होंने पोस्ट दी हुई है और उसकी पे ग्रेड दी हुई है कई सारी इसमें पोस्ट है. डेप्यूटी कलेक्टर एसडीएम की है, डीवाईएसपी है, बीडीओ है, आरटीओ की पोस्ट है, कमर्शियल टैक्स, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होम गार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिसर, गन्ना अधिकारी, केन इंस्पेक्टर, जेल सुपरिंटेंडेंट, ये कई सारी पोस्ट हैं जो इसमें मेंशनड हैं जो इसके थ्रू आएंगी. ठीक है, अगले सेक्शन में इन्होंने पे स्केल और पे ग्रेड की बात दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं. रिजर्वेशन सेक्शन आप पहले से जानते होंगे कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, आप इसको देख सकते हैं, इसमें डिटेल्ड वो दिए हुए हैं. कुछ कंडीशंस जो हैं एलिजिबिलिटी की वो चेंज होती हैं कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए. पीसीएस अदरवाइज द ओनली रिक्वायरमेंट इज नीडेड इज यू शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम. But let us say for DVA, ESP or Forest, there is a physical qualification criteria which has been given. For sub-registrar, let us say Assistant Prosecuting Officer Transport, there are some qualifications like only law graduate or for district basic shiksha adhikari, only postgraduate degree. So, kuch special post ke liye, kuch special qualifications required hai, wo details next section mein di hui. आगे अगर आप जाएंगे तो एज लिमिट दी हुई है, मिनिमम एज जो है वो 21 साल की है. ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है वो 40 इयर्स की है नॉर्मल कैटेगरी के लिए. फिर अगली जो अलग रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए भी इस सेक्शन में आपको जो पॉइंट नंबर 11 है इसमें आपको डिटेल्स दी हुई है. ठीक है, फिर आगे देयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कंबाइंड स्टेट एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू. असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को दोबारा एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है. यूपीएससी में इसको डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से जाना जाता है, बट यहाँ पर इसको डैफ या ऐसे किसी टर्म का यूज नहीं होता है. आप ये समझ सकते हैं मेंस से पहले अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से यही ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा. वो और डिटेल्ड फॉर्म होता है, उसमें काफी सारी डिटेल्स ये लोग मेंशन कराते हैं. यू विल ऑलमोस्ट फील लाइक कि वो आपकी कोई प्रॉपर्टी लिखाने जा रहे हैं, दे विल टेक सो मेनी डिटेल्स. ठीक है, फिर सेक्शन 13 में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि कोई भी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको बार किया जा सकता है. तो ट्राई टू बी जेन्युइन, जो भी सही इन्फॉर्मेशन है उसको वहां पे फिल करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, आगे इन्होंने पोस्ट बताई है कैटेगरी डीवाईएसपी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, हाइट, चेस्ट वगैरह वगैरह. फॉर डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड के लिए क्या चाहिए, और पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर, डेप्यूटी जेलर. ठीक है, तो ये तो सारी बातें हुई जो इस फॉर्म की जो आपको पता चलेंगी. आगे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं फॉर्म फिल करने के लिए. फोटोज का क्राइटेरिया और सिग्नेचर का दिया है जो आपको अपने फॉर्म में अपलोड करनी है और लगानी है. प्लस कई सारे जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आपको किसी तरह का रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए कुछ फॉर्म भरने पड़ेंगे, उस फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया हुआ है अपेंडिक्स 3 में. इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स है, तो आपकी कैटेगरी पे जो भी सूट करता है आप उस फॉर्म को ले सकते हैं और उसको फिल करके आपको एग्जाम के साथ भरना पड़ेगा. अभी आते हैं अपेंडिक्स 4 पे जो विच टॉक्स अबाउट द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन. सो इसका प्रोसेस भी सेम यूपीएससी एग्जाम की तरह है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं. 3 स्टेज एग्जामिनेशन है. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. अगर आप यहाँ पे देखें
The first stage of the examination is about the preliminary. The second stage is, and the preliminary is in the objective or multiple choice question आएंगे इसमें. Mains examination जो exam की second stage है, there is conventional type means descriptive written question है जो आपको लिखने होंगे. ठीक है, और personality test या Viva voice, ये this is the last stage of this examination. ठीक है, अब इसमें इन्होंने आगे बात की है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की. यहाँ पे दो पेपर होंगे, जीएस पेपर वन और पेपर टू. पेपर टू के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%. सो हमें जो जीएस पेपर टू होगा, विच इज यूजुअली मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, हिंदी, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, और उतने अगर हमको मिल जाते हैं तो हमारी जो सिलेक्शन मेरिट है दैट विल गेट डिसाइडेड देन बाय ऑन द बेसिस ऑफ पेपर वन. अगर आपको 33% मार्क्स नहीं मिलते हैं पेपर टू में, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल. 33% के ऊपर आप कितने भी मार्क्स ले आए, दैट डजंट मैटर, उससे आपकी मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट दे मीन बाय दिस इज क्वालिफाइंग पेपर इन नेचर. सी हियर दे हैव रिटन इट क्लियरली, द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन द जीएस पेपर वन, ओके, ऑब्टेंड इन द पेपर वन ऑफ द एग्जामिनेशन. सो प्रिलिम्स है जो अभी एक्सपेक्टेड है 21 जून को होने को, बट बहुत ही कम चांसेस है कि ये पेपर जो है 21 जून को हो पाएगा. सो मोस्टली इट विल गेट पोस्टपोन्ड, बट वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस डेट इटसेल्फ. अगर आप मेंस क्लियर कर पाएंगे देन दे हैव गिवन द स्कीम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, जहां पे टोटल 8 पेपर होने हैं, जिसमें 6 पेपर ये है कॉमन सबके लिए. जनरल हिंदी 150 मार्क्स, एसए 150 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 ईच 200 मार्क्स. ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट. यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स मेंशनड हैं ऑप्शनल के, इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 पेपर देने होंगे. दोनों पेपर, अगेन ये सारे पेपर जो 6 हमने ऊपर बोले हैं या जो ये 2 ऑप्शनल पेपर हैं, 3-3 घंटे के पेपर होंगे, और अगेन 200 मार्क्स ईच ये दोनों पेपर भी होंगे. फाइनली इन्होंने दिया है पर्सनालिटी टेस्ट वीवा. तो यहाँ पे अगर वाइवा आप देखें तो पहले ये 200 मार्क्स का होता था, लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने इसको 2018 से आई थिंक घटा करके 100 मार्क्स का कर दिया है, ताकि और ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो पाए. सो प्रिलिम्स इफ यू क्लियर यू हैव द चांस टू अपीयर इन द मेंस, एंड इफ यू क्लियर द मेंस देन ओनली यू हैव द चांस टू अपीयर इन द पर्सनैलिटी टेस्ट और द फाइनल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन. फिर इन्होंने सिलेबस दिया है प्रिलिम्स का, बहुत जरूरी है सिलेबस आपके लिए. सो 2 स्टेज जो है एग्जामिनेशन की, उसका डिटेल सिलेबस है. सो फॉर जनरल स्टडीज पेपर 1, दिस इज द सिलेबस. सो गो थ्रू इट, मेक फिक्स योर रिसोर्सेज एंड स्टार्ट स्टडीइंग ऑन दोज पॉइंट्स टू क्लियर द प्रिलिम्स पेपर. ये जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट है जो इन्होंने सबसे पहले दिया है. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज नथिंग बट करंट अफेयर्स. History of India and Indian National Movement, India and World Geography, where physical, social, economic geography of India and the world, Indian polity and governance, economic and social development, general issues on environment and ecology, and general science. This is also very important. Then again, they have talked about the details, what these topics will cover. Let it be the current affairs, history, the world geography, Indian polity and governance, or the economics or general science. फिर इन्होंने syllabus दिया है जो 200 mark का दूसरा paper होगा, जो हमने बताया था qualifying in nature है, where we are supposed to secure at least 33% of marks, then only the paper 1 marks will be considered, and on the basis of paper 1 marks only we will, the merit of this exam will be decided. जस्ट फॉर द प्रिलिमिनरी स्टेज, दो प्रिलिमिनरी स्टेज के जो मार्क्स है मेंस में एड भी नहीं होते हैं. जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट मेंस एंड इंटरव्यू मार्क्स, ओके. बट यहाँ पर आपको सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर मेंस. सो जनरल स्टडीज पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांट एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, arithmetic, algebra, geometry, statistics, general english and general hindi up to class 10th level. So bahut normal paper hota hai, aap iska previous year paper utha kar dekh sakte hain, aapko ek bahut acha fair idea lag jayega. Jo log select honge prelims exam mein unko fir
मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, और अगर आप इतना पढ़ लेंगे इसमें जो भी टॉपिक्स मेंशन है, नंबर सिस्टम और एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क इन टाइम, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, एलसीएम, एचसीएफ, सेट थ्योरी, ज्योमेट्री, स्टेटिस्टिक्स, सो इतने में बहुत इजीली 33% नंबर जो है स्कोर किए जा सकते हैं। हाई स्कूल की कोई भी एक बुक जो है वो आपको सफाइस कर देगी इसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। जनरल इंग्लिश और हिंदी को भी इन्होंने काफी डिटेल्ड आपको बता दिया, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकैब एंड यूसेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सिमिलरली फॉर हिंदी, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि समास, क्रिया, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव। सो इतना अगर आप रफली इसको थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, हाई स्कूल तक का स्टैंडर्ड एनफ है वो आपको ये एग्जाम क्लियर करने के लिए। सो अभी सिर्फ अपना डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, इसके बाद इन्होंने मेंस का सिलेबस दिया है डिटेल्ड, उसके लिए अगर आपको जरूरत है देन वी कैन गो अहेड एंड मेक अ सेपरेट वीडियो कि मेंस में हिंदी के पेपर में क्या सिलेबस है, एसए के लिए क्या है, जीएस 1, 2, 3, 4 और प्लस देन व्हाटएवर इज योर ऑप्शनल दैट। सो अभी के लिए मेंस को जाने देते हैं, प्रीलिम्स में जो भी इंफॉर्मेशन है इनके लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाइए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज डाउनलोड दिस फ्रॉम द upsc.nic.in और प्लीज गो थ्रू वंस, एक बार नोटिफिकेशन आपको पढ़ना चाहिए, काफी हेल्प मिलती है ये समझने में कि एक्चुअली हम डील किस चीज से कर रहे हैं, और जो भी कई सारी निटीग्रिटी डिटेल्स होती है जो यूजुअली यू कैन मिस इट आउट इन द वीडियोस, थोड़ा बोरिंग है, मेहनत लगती है, लेकिन ये वर्थ इट है। सो आई वुड एनकरेज यू ऑल, प्लीज गो अहेड एंड डाउनलोड दिस फॉर्म। अगर आपके अंदर कोई भी इच्छा है, यू वॉन्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट इन फ्यूचर, सो दिस इज अनदर वे ऑफ एंटरिंग इन टू इट अपार्ट फ्रॉम द यूपीएससी। सो प्लीज मन में इन सब थॉट्स को मत आने दीजिए कि दिस इज पीसीएस एंड इट इज नॉट वेरी वेल इन कंपेरिजन विद द यूपीएससी। अल्टीमेटली वॉट मैटर्स इज द जॉब विच यू विल बी गेटिंग, एंड नो मैटर वेदर यू बिकम आईएएस और यू बिकम एसडीएम थ्रू दिस पेपर, द फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑफ यू इज गोइंग टू बी एसडीएम एंड जॉब प्रोफाइल इज गोइंग टू बी द सेम। सो बी प्रैक्टिकल एंड प्लीज गो थ्रू इट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। Thanks a lot. अगर आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कॉमेंट इन द सेक्शन, और अगर आपको एग्जाम के बारे में भी किसी तरह की हेल्प चाहिए, सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, जस्ट लेट अस नो व्हाट इज द थिंग व्हिच यू आर लुकिंग फॉर। थैंक यू वेरी मच।